अब हम चालू करते हैं कौन सा प्रोटोकॉल। स्टैटिक और डिफॉल्ट हमने खत्म कर लिया, अब हम करते हैं डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल। और डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल में हमारे पास सबसे पहला कौन सा आता है, रिप, है ना। अब देखो डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल में सबसे पहले हमारा आता है रिप, है ना। तो हम रिप डिस्कस करते हैं। अब पहली बार मेरी एक बात समझो यार, मेरे पास अगर मार्केट में सबसे अच्छा फोन है, ठीक है, और मेरे से कोई बोले यार तू चेंज कर ले, तेरा फोन बढ़िया नहीं है, तो क्या मैं करूंगा? नहीं ना करूंगा। क्यों? बिकॉज आई नो दैट, बिकॉज दैट्स द लेटेस्ट फोन। इसी तरीके से हमारे पास, नेटवर्क इंजीनियर्स के पास पहले स्टैटिक राउटिंग थी, वाई वी मूव टू द डायनेमिक राउटिंग? वाई? देयर मस्ट बी सम ड्रॉबैक्स ऑफ स्टैटिक राउटिंग। और ड्रॉबैक्स क्या थे? एक ड्रॉबैक क्या था? मैन्युअली सारे राउट सेटअप करने पड़ते हैं। हाँ, ड्रॉबैक्स जिसका सब देखो, किसी भी चीज में आगे बढ़ने से पहले पिछले वाले के ड्रॉबैक्स तो देख लो कि क्या है। पहला ड्रॉबैक क्या हो गया? दैट इट इज इम्प्रैक्टिकल ऑन लार्ज नेटवर्क, है ना। स्टैटिक राउटिंग क्या था मेरा? स्टैटिक राउटिंग इम्प्रैक्टिकल था लार्ज नेटवर्क्स पे। ये मैं ड्रॉबैक्स किसके डिस्कस कर रहा हूँ, एक सेकेंड, स्टैटिक राउटिंग के लिखने दो यार। ठीक है, स्टैटिक राउटिंग के ड्रॉबैक्स, सबसे पहली चीज, इट इज इम्प्रैक्टिकल ऑन लार्ज नेटवर्क्स। क्यों? क्योंकि यार आपने मशीन सीसी बनाई है, आपका काम आसान हो, आप ही पार्ट ढूंढते जा रहे हो बेस्ट पार्ट। दूसरी चीज, नो रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब क्या हो गया? बैकअप। आपके पास अल्टरनेट ऑप्शन है ही नहीं इसमें। अगर आप बैकअप पाथ बना भी देते हो फ्लोटिंग स्टैटिक राउट से, तब भी वो सक्सेसफुल नहीं है। क्यों? अभी हमने देखा था डिफॉल्ट राउट के केस में, ठीक है। थर्ड, मैनुअली आपको सारे राउट्स कॉन्फिगर करने पड़ते हैं, विच मेक्स इट वेरी हेक्टिक, मैनुअली कॉन्फिगरिंग ऑफ राउट्स। दीज आर द थ्री रीजंस जिनकी वजह से हम स्टैटिक राउटिंग इंडस्ट्रीज में नहीं इंप्लीमेंट करते, जिसमें से बिगेस्ट रीजन क्या है? रेडंडेंसी, ठीक है। अब हम कहां पे आ गए? डायनेमिक राउटिंग में, ठीक है। नाउ लेट अस डिस्कस द डायनेमिक राउटिंग। और डायनेमिक राउटिंग में सबसे पहले हमारे पास कौन सा है? हमारे पास सबसे पहला है रिप प्रोटोकॉल, ठीक है। रिप को डिस्कस करते हैं। एक सेकंड दो। अब देखो, रिप स्टैंड्स फॉर राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। रिप स्टैंड्स फॉर राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, एंड दिस प्रोटोकॉल इज आल्सो कॉल्ड, और आई कैन से दैट दिस प्रोटोकॉल कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, डीवीआरपी। डीवीआरपी स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। अब देखो, हम इस रिप प्रोटोकॉल को हम डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल क्यों बोल रहे हैं? पहली चीज देखो, इसको समझो। वी नो दैट इन केस ऑफ स्टैटिक राउटिंग देर इज नो एज सच क्राइटेरिया टू डिसाइड द बेस्ट पाथ, इट्स अ नेटवर्क इंजीनियर, क्लियर। बट इन केस ऑफ डायनेमिक राउटिंग वी नो दैट इट इज द राउटिंग प्रोटोकॉल हु इज गोइंग टू डिसाइड द बेस्ट पाथ, राइट। देर मस्ट बी सम क्राइटेरिया दोस्त। अगर राउटिंग प्रोटोकॉल भी अगर बेस्ट पार्ट डिसाइड करेगा तो कुछ तो सोचेगा। अब इसको डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल इसलिए बोलते हैं जस्ट बिकॉज व्हेन द रिप प्रोटोकॉल डिसाइड्स द बेस्ट पाथ, इट लुक्स फॉर द टू कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज डिस्टेंस। फर्स्ट वन इज डिस्टेंस, कि मतलब मेरे को अगर इस नेटवर्क से इस नेटवर्क पे रीच करना है तो मेरे लिए कितने डिस्टेंस पड़ रही है इस पाथ से, और अगर ये पाथ भी है तो इस पाथ से मेरे को कितनी डिस्टेंस पड़ रही है। बात समझ में आ रही है? एंड द सेकंड थिंग इज वेक्टर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेक्टर? वेक्टर मींस डायरेक्शन, कि मतलब मेरे को अपने डेटा को किस डायरेक्शन में फ्लो करवाना है ताकि वो बेस्ट पाथ से डेटा डेस्टिनेशन पे रीच कर जाए। क्लियर हो रही चीजें? सो व्हेन द रिप प्रोटोकॉल डिसाइड्स द बेस्ट पाथ, इट लुक्स फॉर द टू कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज डिस्टेंस, कि मेरे सोर्स से डेस्टिनेशन में मेरे पास जितने भी पाथ्स हैं
मेरे पास कौन कहां से कितनी डिस्टेंस पड़ रही है, प्लस मेरे को किस इंटरफेस से या किस डायरेक्शन में डेटा को फॉरवर्ड करना है सो दैट इट कैन रीच टू द डेस्टिनेशन नेटवर्क विद यूजिंग द बेस्ट पाथ। क्लियर है? ठीक है। अब एडी वैल्यू, रिप प्रोटोकॉल की भी तो एडी वैल्यू होती है, रिप प्रोटोकॉल की एडी वैल्यू होती है 120। ठीक है, इट मींस अगर एक राउटर पे आपने स्टैटिक राउटिंग भी इंप्लीमेंट कर दिया और रिप प्रोटोकॉल भी इंप्लीमेंट कर दिया तो डेटा फॉरवर्डिंग किससे होगी? स्टैटिक राउटिंग से। क्लियर हो गया बाय डिफॉल्ट। लेकिन अगर आपने मैनिपुलेशन कर दी तो यार आपकी मर्जी है, वो तो कुछ भी करवा लो। जस्ट लाइक हमने स्टैटिक राउट में डिफॉल्ट राउट में एडी वैल्यू चेंज करी ना, हम रिप में भी कर सकते हैं और वो हम करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब देखो ये जो रिप प्रोटोकॉल है ना, इट वर्क्स ऑन राउटिंग बाय र्यूमर। देखो रिप का जो वर्किंग मैकेनिज्म है ना, देखो स्टैटिक राउटिंग की अगर हम बात करते हैं ना, तो स्टैटिक राउटिंग में ऐसा कोई वर्किंग मैकेनिज्म है ही नहीं। मतलब राउटर क्या करते हैं, राउटर एक राउटर को हम नेक्स्ट हॉप बता देते हैं भाई, वो उस पर डेटा फॉरवर्ड कर देता है, दैट्स इट। उसके बाद उसको कोई लेना देना नहीं है, है ना। लेकिन देखो रिप प्रोटोकॉल में होता क्या है कि राउटर्स ना, अब देखो होता क्या है यहाँ पे, क्या होता है स्टैटिक राउटिंग में तो आपको हर एक नेटवर्क की क्या करनी पड़ती है, राउटिंग करनी पड़ती है, लेकिन आपको यहाँ पे ऐसा कुछ करना नहीं पड़ता। रिप में तो बस आपको जाके एक बार रिप प्रोटोकॉल को इनेबल करना होता है, दैट्स इट। बाकी काम वो अपने आप करते हैं, बाकी काम वो अपने आप करता है रिप प्रोटोकॉल। तो अब देखो रिप की फंक्शनिंग समझो कि रिप किस तरीके से काम करता है। बाय डिफॉल्ट रिप वर्क्स ऑन द राउटिंग बाय र्यूमर। अच्छा र्यूमर का मतलब क्या होता है दोस्तों? अफवाह, ये तो बोलते हैं। र्यूमर्स का मतलब क्या है? अफवाह, है ना, या फिर हम क्या बोलते हैं, फेक इंफॉर्मेशन। फेक इंफॉर्मेशन को हम र्यूमर्स बोलते हैं। अब मैं बड़ी डिटेल में रिप की फंक्शनिंग बता रहा हूँ, फंक्शनिंग समझ में आ गई तो तुम्हें ये पता चल जाएगा। रिप प्रोटोकॉल में मैं कमांड इंप्लीमेंट करूंगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर फंक्शनिंग नहीं क्लियर हुई कि वो कैसे वर्क करता है रिप, तो दिक्कत है। और एक बार में क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लो। ठीक है, ध्यान से समझ लो इस चीज को, और रिप की थ्योरी खत्म कर देंगे। आर वन, आर टू, आर थ्री, आर फोर, ये चार राउटर है। ठीक है दोस्तों, मैं ये अज्यूम करता हूं आर फोर से ना एक नेटवर्क कनेक्टेड है, 1.1.1.1। ठीक है, आर वन से एक नेटवर्क कनेक्टेड है 2.2.2.2। ठीक है, और राउटर्स के इंटरफेसिस का अपना नाम होता है, तो मैं मान लेता हूँ इस इंटरफेस का नाम है F0/0, इस इंटरफेस का नाम है F0/1, इस इंटरफेस का नाम है F0/0, इसका नाम हो गया F0/1। ठीक है, F0/0, F0/1, F0/0, F0/1। ठीक है, और नेटवर्क्स भी तो चल ही रहे होंगे ना इनके बीच में, मैं मानता हूँ इनके बीच में नेटवर्क चल रहा है 10 का, 20 का, 30 का, ये नेटवर्क इंप्लीमेंटेड है। क्लियर? अब मैं ना एग्जांपल ले रहा हूँ, डोंट माइंड माई एग्जाम्पल, दिल पे मत ले लेना। ठीक है, ऐसे समझो ये हो गया, मैं रियल लाइफ एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, देन हम बात करते हैं राउटर्स के टर्म्स में। ठीक है, क्या कह रहे हो सर, थग लाइफ? लो यार चेन गले में, और ये हम बना देते ये हो गया हमारा मनी। मनी कह रहा है सर मेरे को ऐसे मत बनाओ, मेरे तो लिपस्टिक लगा दो, लो मांग भी भर दो मेरी सर। अब किसको बनाए, गौरव निकोबाली, ओ पेटे स्टार्ट अपना, सर मेरी मांग भी भरो, लाली भी लगा दो मेरे तो पिंक कलर की, ये लो, ये हो गया अपना गौरव। और गौरव ने तो बाल भी कलर करवा रखे हैं। ठीक है, ये हो गया अपना दोस्त गौरव। डन, अब मेरी बात ध्यान से समझना, मैं रिप की फंक्शनिंग ही डिफाइन कर रहा हूँ। देखो यार मुझे ना CCNA आता है, मुझे CCNA आता है, तो यार बट ऑब्वियस ही बात है कि मेरा जो दोस्त है ना, मेरा दोस्त है मनी, और मनी का आगे दोस्त है गौरव। ठीक है, अब मुझे CCNA आता है, मैंने पैसे इन्वेस्ट किया, मैंने किसी इंस्टीट्यूट पे जाके सीखा। अब मैं नहीं चाहता यार कि मेरे दोस्त को कभी पैसे इन्वेस्ट करना पड़े, मेरे को आता है मुझसे सीख ले। तो मैंने मनी को क्या बोला, मैंने मनी को बोला
कि मनी कभी भी अगर आपको सीसीएनए सीखनी हो तो आप मेरे पास आ जाना, सही बात है दोस्ती निभाई मैंने, ठीक है। ये मैंने इंफॉर्मेशन कन्वे कर दी मनी को। अब मनी का आगे फ्रेंड है गौरव, फ्रेंड क्या है मतलब रिलेशनशिप में है दोनों, ठीक है। अब मनी ने क्या करा, मनी ने अपनी गर्लफ्रेंड गौरव को ये इन्फॉर्मेशन दी और क्या बोला कि शोना कभी भी सीसीएनए सीखनी हो तो मेरे पास आ जाना, मैं सिखा दूंगा, बात ध्यान से समझो, सिर्फ इतना ही बोला। अब गौरव क्या समझेगा यहाँ पे, गौरव ये समझेगा कि यार मनी मेरे को बोल रहा है कि कभी सीसीएनए सीखनी हो तो उसके पास मैं चली जाऊं, इसका मतलब कि मेरे मनी को सीसीएनए आता है, तभी तो वो बोल रहा है मेरे पास आने के। क्या मनी ने ये बोला आगे मेरा एक दोस्त है प्रशांत वो सीसीएनए सिखाएगा, सिर्फ इतना बोला कि कभी सीसी ने सीखनी हो तो मेरे पास आ जाना, तो गौरव तो यही सोचेगा ना कि मनी को सीसी ने आता है। गौरव गौरव क्या है, गौरव चीट कर रहा है मनी को, उसके आगे भी रिलेशनशिप है किसके साथ, एक और कूल डूड है, ठीक है रौनित, ठीक है उनके साथ उनके रिलेशनशिप में है। अब हुआ क्या, अब गौरव ने क्या कहा रोनित को, क्या बोला भाई रिलेशनशिप में है तो आगे इन्फॉर्मेशन कन्वे करी क्या कि शोना कभी भी अगर आपको सीसी ने सीखनी हो तो मेरे पास आ जाना, बस इतना बोला। अब गौरव अब रोनित को क्या लगेगा, रोनित सर को ये लगेगा कि गौरव अगर बोल रहा है सीसी ने सीखने मेरे पास आ जाना तो मतलब गौरव को सीसी ने आ गई है, यही तो लगेगा। अब ध्यान से समझो, अब रोनित सर को सीखनी थी सीसी ने, वो गए गौरव के पास कि बेबी चलो सीसी ने सिखा दो। अब गौरव ने क्या बोला कि रोनित मैंने आपको ये कहा था कि कभी सीसी ने सीखनी हो तो मेरे पास आ जाना, लेकिन मैंने ये थोड़ी बोला था कि मैं मेरे को सीसी ने आती है। अब गौरव और रोनित दोनों गए मनी के पास, मनी को गौरव ने मनी को बोला यार चल यार मेरे को मनी सीसी ने सिखा दो, ठीक है। अब मनी क्या कहेगा कि गौरव मैंने ये कब बोला था कि मेरे को सीसी ने आता है, मैंने कहा था बस मेरे पास आ जाना, ठीक है। अब मनी गौरव और रोनित तीनों आए स्टड के पास, मेरे पास, और मैंने सीसी ने सिखा दी बिकॉज मेरे को आती थी। तो देखा जाए आपस में एक दूसरे को जो इन्फॉर्मेशन दी वो दी आधी इन्फॉर्मेशन। अब आधी इन्फॉर्मेशन का क्या मतलब हो गया, र्यूमर्स, फेक इन्फॉर्मेशन तो हो गई, पूरी तो नहीं दी। अब राउटर के टर्म्स में ये चीजें समझो, क्या कह रहे हो गौरव सर आपने क्यों मिटा दिया मुझे, कोई नहीं यार फिर से बना दूंगा। गौरव को तो समझ में आ गया होगा अच्छे से, है ना गौरव, जन्नत में लेके चलूंगा आपको। काम पे सर भरोसा करो यार। चलो देखो, बाय डिफॉल्ट राउटर की राउटिंग टेबल में डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क होते हैं, तो हम लोग ना राउटर्स की राउटिंग टेबल क्रिएट करते हैं, ठीक है। ये हो गई R1 की राउटिंग टेबल। अब डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क कौन कौन से होंगे, एक तो होगा इन्फॉर्मेशन कैसे होती है कि F0/0 पे कौन सा नेटवर्क है 2 का, और F0/1 पे किसका नेटवर्क है 10 का, राइट। इसी तरीके से अब राउटिंग टेबल क्रिएट करते हैं R2 का। अभी तक मैंने RIP प्रोटोकॉल इनेबल नहीं किया राउटर पे, मैं अभी सिर्फ डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क, मैंने क्योंकि आईपी एड्रेस तो दूंगा ना मैं, आईपी एड्रेस के बाद राउटिंग टेबल अपने आप क्रिएट होती है जिसमें डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क होते हैं। अब R2 क्या करेगा कि मेरे F0/0 पे 10 का नेटवर्क है और F0/1 पे 20 का नेटवर्क है, R3 की भी क्रिएट करो कि मेरे F0/0 पे 20 का नेटवर्क है और F0/1 पे मेरे पास 30 का नेटवर्क है। नाउ क्रिएट द राउटिंग टेबल फॉर R4 कि F0/0 पे मेरे पास 30 का नेटवर्क है और F0/0 पे मेरे पास 1 का नेटवर्क, क्लियर। नाउ आई एम गोइंग टू इंप्लीमेंट द रिप प्रोटोकॉल ऑन ऑल द राउटर्स। मैंने इस पे भी रिप इनेबल किया, इस पे भी रिप इनेबल किया, इस पे भी रिप इनेबल किया, और इस पे भी रिप इनेबल कर दिया मैंने रिप प्रोटोकॉल इनेबल। अब यार हम चारों सारे के सारे नेटवर्किंग के स्टूडेंट्स हैं, हम सारे भाई भाई हैं, दोस्त हैं, तो आपस में एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन बताएंगे ना। इसी तरीके से अगर आपने चारों राउटर पर रिप प्रोटोकॉल इनेबल कर दिया, मतलब चारों भाई भाई हैं, भाई भाई हैं, दोस्त दोस्त हैं, तो आपस में एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन बताएंगे। अब इन लोगों के ऐसे राउटर के पास कौन सी इन्फॉर्मेशन है, अपनी खुद की राउटिंग टेबल ही वही उनकी इन्फॉर्मेशन है। तो जैसे ही राउटर पे आप राउटिंग रिप प्रोटोकॉल इनेबल करोगे, ये एक दूसरे को अपनी अपनी राउटिंग टेबल भेजना स्टार्ट कर देंगे, बात क्लियर। अब देखो
आर वन क्या करेगा, देखो आर वन राउटिंग टेबल भेजेगा आर टू को, आर टू भेजेगा आर वन को, आर टू भेजेगा आर थ्री को और आर वन को, आर थ्री क्या करेगा आर थ्री आर टू को भेजेगा और आर फोर को भेजेगा, मतलब सारे एक दूसरे को राउटिंग टेबल भेजेंगे। अब जब चारों दोस्त हैं तो हर एक दोस्त के पास बाकी सारे दोस्तों की इंफॉर्मेशन होगी, होगी ठीक है। अब ध्यान से समझो, जब आर वन ने अपनी राउटिंग टेबल भेजी, देखो आर वन ने राउटिंग टेबल भेजी किसको, आर टू को भेज दिए उसके राउटिंग टेबल, अपने उसने अपनी राउटिंग टेबल भेज दी किसको, आर टू को। उसमें इंफॉर्मेशन क्या थी कि एफ जीरो स्लैश जीरो पे टू का नेटवर्क है और एफ जीरो स्लैश वन पे टेन का नेटवर्क, राइट। अब एक बात बताओ, क्या आर वन और आर थ्री की डायरेक्ट कनेक्टिविटी है, नहीं है। तो आर टू, तो आर वन की राउटिंग टेबल आर थ्री को कौन भेजेगा, आर टू। अब आर टू पता क्या करेगा, आर टू अपनी राउटिंग टेबल में, आर टू क्या करेगा अपनी राउटिंग टेबल में आर वन की राउटिंग टेबल ऐड कर लेगा, अपनी राउटिंग टेबल में आर वन की राउटिंग टेबल ऐड कर लेगा। कैसे, देखो एफ जीरो स्लैश जीरो पे, एफ जीरो स्लैश जीरो से तो रीचेबल है उसके पास टू का नेटवर्क, तो वो डाल देगा एफ जीरो स्लैश जीरो पे मेरे पास टू का नेटवर्क भी है, ठीक। और एफ जीरो स्लैश जीरो और इसके पास एफ जीरो और इसके पास टेन का नेटवर्क दिया था, टेन का नेटवर्क तो ऑलरेडी इसकी राउटिंग टेबल में है तो डालने की जरूरत नहीं है। आप कर ली राउटिंग टेबल ऐड, अब ये राउटिंग टेबल किसको भेजेगा, आर थ्री को। जब आर थ्री के पास ये राउटिंग टेबल आएगी तो आर थ्री के हिसाब से आर टू के पास कितने नेटवर्क है, तीन, तीन नेटवर्क है। क्या इस राउटिंग टेबल को देख के कहीं पे भी ये पता चल रहा है कि आर टू ने आर थ्री को ये बोला हो कि ये जो नेटवर्क है मेरे को आर वन से मिला है, नहीं ना बोला, तो इसका मतलब क्या हुआ, फेक इंफॉर्मेशन हुई कि नहीं हुई। मतलब आर टू ने आर थ्री को ऐसे दिखाया ये नेटवर्क जो है उससे डायरेक्टली कनेक्टेड है, हालांकि आर टू ने ये चीज बोली नहीं, आर टू ने तो बस राउटिंग टेबल में ऐड करके आर थ्री को फॉरवर्ड कर दी, लेकिन राउटिंग टेबल में कहीं पे ये मेंशन थोड़ी किया है कि ये राउट ये नेटवर्क जो है आर वन का है, मेरे से आगे आर वन कनेक्टेड है उसका है, नहीं ना बोला, दैट्स इट। अब आर थ्री क्या करेगा, अब आर थ्री के पास जब ये राउटिंग टेबल आएगी तो आर थ्री अपनी राउटिंग टेबल में ऐड करेगा इन नेटवर्क्स को, कि देखो आर थ्री का इंटरफेस कौन सा है, एफ जीरो स्लैश जीरो, यहीं से राउटिंग टेबल रिसीव हुई है कि एफ जीरो स्लैश जीरो से मेरे पास टेन का नेटवर्क भी है और एफ जीरो स्लैश जीरो से मेरे पास टू का नेटवर्क भी है। अब जब वो आर फोर को देगा तो अकॉर्डिंग टू आर फोर, आर थ्री इज हैविंग फोर नेटवर्क्स कनेक्टेड टू इट, 10, 20, 32, ठीक है। अब आर फोर क्या करेगा, आर फोर भी अपनी राउटिंग टेबल में आर थ्री की राउटिंग टेबल ऐड कर लेगा, बात समझ में आ रही है, तो वो डाल देगा डेट एफ जीरो स्लैश जीरो पे मेरे पास टू का नेटवर्क भी है, एफ जीरो स्लैश जीरो पे मेरे पास 20 का भी है, एफ जीरो स्लैश जीरो पे मेरे पास 10 का भी है, क्लियर, ठीक है। अब देखो ये जो प्रोसेस है मैंने मैंने एक सीक्वेंस में बता दिया, लेकिन ऐसा क्या होता क्या है, सारे राउटर एक दूसरे को राउटिंग टेबल भेजेंगे तो हर किसी की राउटिंग टेबल में सारे नेटवर्क होंगे, जैसे आर टू की, जैसे आर वन की राउटिंग टेबल की मैं बात करूंगा ना, तो उसमें भी इंफॉर्मेशन होगी, उसमें इंफॉर्मेशन क्या होगी कि एफ जीरो स्लैश वन पे मेरे, जब भाई आर टू अपनी राउटिंग टेबल भेजेगा तो वो 20 की या 30 की भी तो इंफॉर्मेशन देगा, तो आर वन ऐड कर लेगा कैसे कि मेरे एफ जीरो स्लैश जीरो पे, एक सेकेंड, एफ जीरो स्लैश वन पे मेरे पास 20 का नेटवर्क भी है, 30 का नेटवर्क भी है, वन का भी नेटवर्क है, ठीक है। सबकी राउटिंग टेबल में ऐसे ही होगा, इसी तरीके से अभी ये तो, अभी तो हमने एक एंड से करी है, अभी जब आर थ्री भी राउटिंग टेबल भेजेगा तो ये क्या करेगा कि मेरे एफ जीरो स्लैश वन पे 30 का नेटवर्क भी है और वन का नेटवर्क भी है, बात समझ में आ रही है। सारे के सारे राउटिंग टेबल ऐड तो कर लेंगे एक दूसरे की, लेकिन कहीं पे ये मेंशन नहीं करेंगे कि ये नेटवर्क उसका है, वो उसका है, वो उसका है, उसका ना। अब एज अ यूजर अगर मैं राउटिंग टेबल देखूंगा तो मेरे हिसाब से क्या है यार, ये नेटवर्क, सारे नेटवर्क किसके पास है, वाओ, समझ में आ रही है चीजें। अब ध्यान से बात समझो, अब मान लो यूजर एट 1.1.1.1 वांट्स टू सेंड द ट्रैफिक टू यूजर एट 2.2.2.2, क्लियर। डेटा जनरेट होगा, डेटा में सोर्स आईपी क्या लगेगा, 1.1.1.1, डेस्टिनेशन आईपी लगेगा 2.2.2.2, राइट। अभी डेटा वो किसको भेजेगा, अपने डिफॉल्ट गेटवे को, डिफॉल्ट गेटवे कौन है, राउटर आर फोर, आर फोर के पास आ गया डेटा। अब आर फोर देखेगा यार मेरे पास डेस्टिनेशन आईपी क्या है, डेस्टिनेशन आईपी है मेरे पास 2.2.2। अब वो देखेगा अपनी राउटिंग टेबल, उसको ये तो पता है ना मेरी राउटिंग टेबल में कौन से डायरेक्टली कनेक्टेड है, उसको एटलीस्ट अपने डायरेक्टली कनेक्टेड तो पता होंगे राउटर को। राउटर कहेगा यार ये मेरे से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, ये तो मुझे आर थ्री ने दिया था, आर थ्री के पास है टू का नेटवर्क, अब वो फॉरवर्ड कर देगा आर थ्री को, बात समझ में आ रही है। अब आर थ्री के पास सेम डेटा आएगा, आर थ्री कहेगा डेस्टिनेशन टू है, अब वो देखेगा मेरे पास डायरेक्टली कनेक्टेड का है, ये तो मेरे को आर वन से मिला, आर टू से मिला था, आर टू के पास है ये नेटवर्क, तो अब आर टू को दे देगा, आर टू दे देगा आर वन को, फाइनली आर वन के पास एक्चुअल में ये नेटवर्क है, आर वन डेटा फॉरवर्ड कर देगा टू को। देखा जाए डेटा फॉरवर्डिंग हो गई, लेकिन जो राउटर्स ने एक दूसरे को इंफॉर्मेशन दी दोस्त, वो दी र्यूमर्स, अफवाह, फेक इंफॉर्मेशन,
दैट इज व्हाई आई एम सेइंग दैट रिप वर्क्स ऑन द राउटिंग बाय रिमूवर. ये चीज क्लियर है, फंक्शनिंग क्लियर होगी दैट हाउ एक्चुअली रिप प्रोटोकॉल वर्क्स. कोई डाउट है इस चीज में? तो हर एक राउटर की राउटिंग टेबल में सारे नेटवर्क होंगे, लेकिन लेकिन हर एक राउटर, लेकिन जब एक राउटर दूसरे राउटर को इन्फॉर्मेशन देगा तो वो ये नहीं बताएगा यार ये मेरे नेबरिंग राउटर के, या मेरे को भी किसी से मिले, वो तो अपने राउटिंग टेबल में ऐड करके आगे दे देता है, आगे वाले को लगता है वाह भाई वाह. अब इस सिनेरियो में देखो, अब देखो इस सिनेरियो में देखो, R1 के हिसाब से सारे नेटवर्क या तो उससे डायरेक्टली कनेक्टेड है या उसके नेबर से मिले हैं. भाई हर किसी को अपने नेबर का तो पता होता है, अपने नेबर का तो हर किसी को पता होता है, शो सीडीपी नेबर वाली कमांड से भी पता चल जाता है कि नहीं है? तो हर एक राउटर को अपने नेबर का तो पता ही होगा ना. बाकी देखो, अब अकॉर्डिंग टू R1 कि दो नेटवर्क तो उसके पास डायरेक्टली कनेक्टेड है और बाकी जितने भी मिले उसको किससे मिले हैं? R2 से. तो इसका मतलब उसके हिसाब से इस पूरी टोपोलॉजी में दो ही राउटर हैं, एक मैं और एक मेरा नेबर, और नेबर मेरे पास दो नेटवर्क है और बाकी सारे नेटवर्क मेरे नेबर के पास है. समझ में आ रही है? अब R2 के एंड से बात करो, अकॉर्डिंग टू R2 उसके पास दो नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है और उसके दो नेबर हैं. तो हर एक राउटर के लिए बात करोगे ना, तो हर एक राउटर को किसका पता है? खुद का और अपने नेबर का. इसके अलावा उन्हें टोपोलॉजी में अगर मान लो 1000 राउटर और है तो कुछ नहीं पता उन्हें, उनके हिसाब से सारे के सारे नेटवर्क उसके हैं या उसके नेबर्स के हैं बस. तो अगर मैं ये चीज बोलूं कि इन केस ऑफ रिप प्रोटोकॉल राउटर्स डू नॉट हैव टोपोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, तो क्या मैं सही हूं कि राउटर्स को एक्चुअल में टोपोलॉजी का तो पता ही नहीं? देखो, टोपोलॉजी का पता होने का मतलब है कि हर एक राउटर को पता है कि कौन सा राउटर के पास कौन कौन सा नेटवर्क चल रहे हैं. टोपोलॉजी का मतलब यही तो है. मैं अगर आपसे बोलूं आपको टोपोलॉजी पता है, गौरव कहेगा हाँ सर मुझे पता है, क्योंकि उसको मतलब इसका मतलब उसे पता है कि मेरे को ये राउटर लेने हैं, उनके बीच में ये नेटवर्क चल रहा है, यही तो मतलब होता है. अगर मैं आपसे बोलता हूँ टोपोलॉजी डिजाइन कर रहा हूँ, यही तो है. तो अगर मैं बोल रहा हूँ रिप प्रोटोकॉल में राउटर्स को टोपोलॉजी की इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो इसका मतलब क्यों? क्योंकि यार राउटर के हिसाब से सारे के सारे नेटवर्क उसके नेबर के हैं या उसके खुद के हैं. अब R1 के हिसाब से R2 के अलावा उसको ये पता है R3 है, R4 है, R5 है? नहीं ना पता. R2 ने बोला उसे? नहीं बोला. फिर तो रिप प्रोटोकॉल में राउटर्स को टोपोलॉजी की इंफॉर्मेशन नहीं होती, उन्हें बस ये पता है नेटवर्क तो है और वो नेटवर्क भी किसके हैं? उसके नेबर के हैं, बस दैट्स इट. क्लियर हो गई ये चीजें? रिप प्रोटोकॉल की फंक्शनिंग क्लियर, डन. चले आगे. तो इसमें सर क्यों पता चलेगा आपको? तो बस शो सीडीपी नेबर वाली कमांड से तो आपको नेबर पता चलेंगे. तो सर वो तो सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल है, एक सिस्को का प्रोटोकॉल है कि आखिर सिस्को के नेबर आप डिस्कवर कर सको. लेकिन अगर मान लो सिस्को का राउटर नहीं है सामने तो भी आपको नहीं पता चलेगा. लेकिन राउटर्स को अपने नेबरिंग राउटर तो पता होते हैं कि उसके नेबरिंग राउटर कौन से. बात क्लियर है? मैं ये समझू कि रिप की फंक्शनिंग आप लोगों को क्लियर हो गई पूरी? अपने सर आप ऐसे गंदा सा लुक मत दो यार. अब देखो, तो इन केस अगर मेरा मैं कोई ऐसा आईपी लेता हूं ना जो राउटर को नहीं पता, सिर्फ उस केस में 2.2 राउटर को पता ना, हां मैं भी लकड़ी लेता हूं, तो पावर तो वो करेगा नहीं? नहीं करेगा. नहीं, वो डिस्कस करेंगे आप ये चीज, ठीक है? वो डिस्कस कर लेंगे एक बार. मैं जब रिप प्रोटोकॉल का वो कराऊंगा ना, ऐसा हो, देखो होता क्या है, एक राउटर एक नेटवर्क तभी एडवर्टाइज करता है जब उसके इंटरफेस पे आईपी चल रही हो वो, तो अगर नहीं चल रही होगी ना तो एडवर्टाइज करेगा नहीं आगे. अगर आप जो आप क्वेश्चन कह रहे हो ना, देखो आप लोगों को नहीं समझ में आया वो क्या पूछ रहे हैं, मैं बताता हूँ. वो कह रहे हैं कि अगर मान लो R1 है, अगर मान लो इसके पास 10.1 की आईपी चल रही है, इसके पास 20.1 की आईपी चल रही है, तो मैं ऑब्वियसली बात है जब मैं रिप प्रोटोकॉल चलाऊंगा ना तो मैं कमांड दूंगा, कमांड में मेरे को ये भी मेंशन करना पड़ेगा कि मैं कौन सा नेटवर्क सामने वाले राउटर को बताना चाहता हूँ. अब वो कह रहे हैं कि अगर मान लो मैंने कमांड में 2.2.2 दे दिया, लेकिन आईपी एड्रेस एसएच मैंने आईपी एड्रेस दिया नहीं है, तो क्या वो सामने वाले राउटर के पास 2 पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा. एक राउटर सामने वाले राउटर को इन्फॉर्मेशन वही देगा जो आप दिलवाना चाहते हो. पहली बात, अगर आप मान लो इस राउटर पे मान लो 10 नेटवर्क चल रहे हैं ना, लेकिन आपने रिप प्रोटोकॉल को ये बोला कि आप सिर्फ ये दो नेटवर्क बताओगे तो दो ही बताएगा. लेकिन अगर मान लो आपने एक ऐसा नेटवर्क भी बता दिया जिसको आपने आईपी एड्रेस आपके राउटर पे नहीं दे रखा, राउटर एडवर्टाइज नहीं करेगा.
राउटर बताएगा नहीं सामने वाले को, क्योंकि उसके पास वो इंफॉर्मेशन है ही नहीं. एवरी राउटर एडवर्टाइजेज इट्स डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क, जो उसके पास डायरेक्टली कनेक्टेड है. ठीक है, जो उसके इनडायरेक्ट नेबर्स हैं उनमें से अगर एक भी कोई लिंक डाउन होगा तो वो उसको इन्फॉर्म करेगा. हाँ टेबल अपडेट हो जाएगा. हाँ देखो अभी फंक्शनिंग क्लियर है. देखो बाय द एंड ऑफ टुमारोस क्लास तुम लोगों को डायनामिक राउटिंग रिप प्रोटोकॉल क्लियर हो जाएगा. अब बैठ ठीक है, बस ध्यान से सुनते चले हो. अभी अभी प्रैक्टिकल तो मैंने कुछ किया ही नहीं है इसका, प्रैक्टिकल से ही चीजें क्लियर होती हैं सारी. तो अब देखो, अब रिप के ना देखो, आप लोग जब सीसीएनए लेवल पे पढ़ोगे ना तो आप रिप के ना सिर्फ कोई सी भी बुक उठा लो या एनपी के भी बुक उठा लो, आपको सिर्फ दो ही वर्जन पढ़ने को मिलेंगे. एक मिलेगा रिप वर्जन 1, एक मिलेगा रिप वर्जन 2. इसके अलावा किसी और वर्जन का जिक्र नहीं है कहीं पे भी. तीसरा वर्जन भी होता है जिसको हम बोलते हैं रिप का डिफॉल्ट वर्जन. ठीक, रिप के कितने वर्जन है? 3 वर्जन. ठीक है, अब देखो मैं इनकी ना कमांड्स लिख रहा हूँ कि अगर आपको कमांड इंप्लीमेंट करनी पड़े तो कैसे करोगे. ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आप जाओगे और ऐसे लिखोगे राउटर रिप, मतलब आप पहले अपने राउटर को बोला कि मैं रिप प्रोटोकॉल इनेबल कर दिया, उसके बाद आप राउटर को बताओगे कि आप कौन सा वर्जन चला रहे हो रिप का. ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा वर्जन कहाँ चलाना है. ठीक है, तो मैंने लिखा वर्जन 1, ये मैं वर्जन 1 इंप्लीमेंट करना चाहता हूँ. उसके बाद आप लिखोगे कमांड में नेटवर्क, उसके बाद स्पेस देके लिखोगे डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क आईडी, मतलब जो भी उससे नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड होगा उसकी आप लिखोगे नेटवर्क आईडी. मतलब देखो रिप प्रोटोकॉल की अभी आप लोगों को वर्किंग बताई, उसमें क्या होता है, राउटर अपने डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क ही तो सामने वाले को बताता है. तो नेटवर्क के बाद डायरेक्टली कनेक्टेड, मतलब आप जिस नेटवर्क को एडवर्टाइज करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके नेबर को पता चल जाए वो, तो वो आपको नेटवर्क देना पड़ेगा. क्लियर, ये हो गया रिप वर्जन 1, आप ऐसे इंप्लीमेंट करोगे. डन, उसके बाद बात आती है रिप वर्जन 2 की. जब आप रिप वर्जन 2 इंप्लीमेंट करने की बात करते हो, एक सेकंड रुको, वो कैसे इंप्लीमेंट करोगे? ऐसे ही राउटर रिप देन वर्जन 2, उसके बाद लिखोगे नेटवर्क अगेन डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क आईडी लिखोगे, और एक कमांड और लिखोगे नो ऑटो समरी. क्लियर, अब इस कमांड का मतलब क्या है, प्रैक्टिकल करूंगा तब बताऊंगा. ठीक है, फाइनली अगर आपको रिप का डिफॉल्ट वर्जन इंप्लीमेंट करना है, राउटर रिप, उसके बाद अगर आप वर्जन मेंशन ना करो तो और डायरेक्ट नेटवर्क एडवर्टाइज कर दो तो आपका रिप का चलता है डिफॉल्ट वर्जन, ना ही वर्जन 1 चलता है ना ही वर्जन 2, कौन सा चलता है? डिफॉल्ट वर्जन. समझ में आया? क्लियर है ये चीजें? अब देखो पहले हम ये समझते हैं कि रिप के तीनों वर्जन में डिफरेंस क्या है. ठीक है, ये हो गया रिप वर्जन 1, यहाँ हो गया रिप वर्जन 2. देखो जो आपसे अगर आप एज अ फ्रेशर या फिर आप एज अ इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे ना, तो वो आपसे ये पूछते हैं कि रिप वर्जन 1 और 2 में डिफरेंस क्या है. बेसिकली वो डिफॉल्ट वर्जन का नहीं जिक्र करते, लेकिन पता होना चाहिए. पता होगा तो चीजें बहुत डिटेल में समझ में आएंगी तुम्हें. देखो रिप वर्जन 1 की बात करते हैं, तो अगर मान लो ये राउटर है R1, ये राउटर है R2, मैंने दोनों राउटर पे मैंने मैंने इंप्लीमेंट कर दिया रिप वर्जन 1, तो होता क्या है कि रिप वर्जन 1 से क्या होता है, देखो राउटर क्या भेजते हैं दूसरे को राउटिंग टेबल, तो अगर आपने रिप वर्जन 1 इंप्लीमेंट करा है तो आपकी राउटिंग टेबल सेंड होगी वाया वर्जन 1, और रिसीव भी उसी राउटर की राउटिंग टेबल करेगा जिस पे वर्जन 1 चल रहा है. मतलब अगर एक राउटर पे रिप वर्जन 1 इंप्लीमेंट करा है तो वो जब अपनी राउटिंग टेबल भेजेगा वो भेजेगा वाया वर्जन 1, और वो रिसीव भी उसी राउटर की राउटिंग टेबल करेगा, एक्सेप्ट उसकी राउटिंग टेबल ऐड करेगा अपने में जिस पे वर्जन 1 चल रहा होगा. क्लियर,
अब रिप वर्जन 2 की बात करते हैं तो जो राउटिंग टेबल सेंड होगी वो किससे सेंड होगी, वाया वर्जन 2, लेकिन रिसीव राउटिंग टेबल किसकी हो जाएगी, वर्जन 2 की। मतलब अगर दो राउटर पे रिप वर्जन 2 चल रहा है तो वो राउटिंग टेबल किससे सेंड करेगा, वर्जन 2 से, और वो रिसीव भी राउटिंग टेबल उसी की करेगा जिस पे वर्जन 2 चल रहा होगा, क्लियर। लेकिन हम डिफॉल्ट वर्जन की बात करते हैं तो ये राउटिंग टेबल अगर भेजेगा तो भेजेगा तो वर्जन 1 से, ठीक है। लेकिन अगर रिसीव करने की बात करेंगे कि इसकी राउटिंग टेबल एक्सेप्ट कर लेता है तो वो वर्जन 1 और वर्जन 2 दोनों की करता है। अब कुछ स्टूडेंट्स को ये बहुत बड़ा मिथ होता है कि डिफॉल्ट वर्जन जैसे कोई चीज होती नहीं है, कुछ स्टूडेंट्स को मिथ होता है, ये मैं क्लियरली बता रहा हूँ, तुम चाहे तो बात कर लेना कैंपस में ही कितने स्टूडेंट मिल जाएंगे, कि डिफॉल्ट वर्जन नहीं होता। और अगर मान लो आप नेटवर्क वाली वर्जन वाली कमांड नहीं देते तो बाई डिफॉल्ट वर्जन 1 चलता है, लोगों को लगता है ऐसा, लेकिन ये बता रहा हूँ ये टोटली रॉन्ग है, डिफॉल्ट वर्जन चलता है रिप का। क्योंकि रिप वर्जन 1 में क्या होता है, अपडेट भी वो रिसीव उसी की होगी वर्जन 1 की, वर्जन 2 की कभी सेंड रिसीव हो ही नहीं सकती, प्रैक्टिकल करूंगा और दिखा दूंगा। लेकिन डिफॉल्ट वर्जन में वर्जन 1 और वर्जन 2 दोनों की राउटिंग टेबल एक्सेप्ट हो जाती है, क्लियर है ये चीज। देखो एक सिनेरियो समझो, R1, R2, R3 अब देखो मैं ये ज़ूम कर रहा हूँ कि R3 पे जो चल रहा है ना, R3 पे चल रहा है रिप वर्जन 1, R2 पे चल रहा है रिप का डिफॉल्ट वर्जन, और R1 पे चल रहा है रिप वर्जन 2, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से समझना है, कम्युनिकेशन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब R3 अपनी राउटिंग टेबल भेजेगा भेजेगा वो इस पे रिप वर्जन 1 चल रहा है तो किससे भेजेगा, वर्जन 1 से, और रिप का डिफॉल्ट वर्जन तो वर्जन 1 की राउटिंग टेबल एक्सेप्ट कर लेता है ना, तो एक्सेप्ट कर लेगा इसकी राउटिंग टेबल, गॉड। जब R2 अपनी राउटिंग टेबल भेजेगा R3 को तो वो किससे भेजेगा, वर्जन 1 से, वर्जन 1 की राउटिंग टेबल एक्सेप्ट करता है, तो मतलब R2 और R3 आपस में एक दूसरे को राउटिंग टेबल भेजेंगे, वो एक एक्सेप्ट भी करेंगे, मतलब आपस में कम्युनिकेशन होगा, क्लियर। अब इसकी बात करते हैं, जब R1 अपनी राउटिंग टेबल भेजेगा R2 को तो किससे भेजेगा, वाया वर्जन 2, रिप का डिफॉल्ट वर्जन वर्जन 2 की राउटिंग टेबल एक्सेप्ट करता है तो इसने तो एक्सेप्ट कर ली। जब R2 अपनी राउटिंग टेबल भेजेगा किससे भेजेगा, वर्जन 1 से, रिप का वर्जन 2 के वर्जन 1 की राउटिंग टेबल एक्सेप्ट करता है, नहीं करता, वो तो सिर्फ वर्जन 2 की करेगा, तो R1 R2 की राउटिंग टेबल एक्सेप्ट करेगा तो क्या कोई कम्युनिकेशन होगा, क्लियर हो रहा है। अब मान लो अगर दो राउटर है, R1 यहाँ पे है, R2 इस पे आपने चला दिया रिप वर्जन 1, इस पे आपने चला दिया रिप वर्जन 2, तो क्या कम्युनिकेशन होगा आपस में, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये राउटिंग टेबल सेंड करेगा वर्जन 1 से, ये सेंड करेगा वर्जन 2 से, आपस में एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, क्योंकि राउटिंग टेबल जब रिसीव होती है ना उसमें लिखा होता है कि वर्जन कौन से वर्जन की राउटिंग टेबल है, ये मैं दिखाऊंगा सारी की सारी चीजें। तो उसके बाद अब राउटर देखेगा, यार मेरा वर्जन 1 है, ये तो वर्जन 2 की है, पता है वो क्या क्या इंफॉर्मेशन आएगी, इलीगल वर्जन, इलीगल वर्जन, ये अलग वर्जन की राउटिंग टेबल है, मैं एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा। बात समझ में आ रही है? सो देयर आर 3 वर्जंस ऑफ रिप, मेक इट क्लियर। एनए लेवल में कोई से भी बुक उठा के देख लो, तो मैं R1 रिप वर्जन 1 और 2 के बाद कुछ नहीं पढ़ूंगा, लेकिन डिफॉल्ट वर्जन होता है प्रूव कर दूंगा। आई में जाओगे तो डिफॉल्ट वर्जन भी पढ़ लोगे, ठीक है। आज के लिए थ्योरी इतनी है, कल इसका 15-20 मिनट का थ्योरेटिकल सेक्शन और है, देन रिप प्रोटोकॉल कल की क्लास में पूरा डिटेल में खत्म कर दूंगा। और जो जो चीज मैं पढ़ा रहा हूँ ना कि राउटिंग टेबल सेंड हो रही है, वो एक एक चीज मैं दिखाऊंगा, ऐसा नहीं है कोई मजाक में होगा, सारी की सारी चीजें दिखाऊंगा फ्लो होते हुए, वायर पे वायर शार्क यूज करेंगे, ठीक है। तो सारे वर्जन सेम होने चाहिए कम्युनिकेशन करा रहे हो तो। हाँ, अब बात आती है मैनिपुलेशन की भी, मैं मैनिपुलेशन भी सिखाऊंगा कि अगर दो रिप के अलग अलग वर्जन का कम्युनिकेशन कराना है तो वो भी हम सीखेंगे, विच इज कॉल्ड मैनिपुलेशंस। ये मैं बाय डिफॉल्ट नेचर बता, दैट्स द एंड। अब कल की क्लास में हम रिप की और थोड़ी सी थ्योरी कंटिन्यू करेंगे, और फिर कल की क्लास में प्रैक्टिकल पूरा इसका खत्म कर देंगे रिप का।